Hello everyone, and I am back to all of you in this video where I am going to explain you something amazing. So my name is Nitin Chauhan. I represent Diamond Heaven, the winning team, and all my dear leaders. In this video, I am going to teach you how is your income calculated in Oriflame. So definitely every month you receive some great amount in your bank accounts as per your level, 6%, 9, 12, 15, 18, 22, whatever your level is, आपको उसके अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छी इनकम मिलती है. हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आपकी वो इनकम को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे आप अपना मंथ प्लान कर सकते हैं, अपनी इनकम प्लान कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने जो भी हमारा लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं कि हमारी सभी लाइन से हमें कितनी कितनी इनकम्स आएगी. सो फॉर्मूला सीखते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं. इनकम कैलकुलेशन सीखने से पहले मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इनकम कैलकुलेशन सीखने से पहले ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ओरिफ्लेम के जो परसेंटेज लेवल्स हैं, वो जो स्लैब्स हैं, वो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए, विच आर 3%, 6% एंड 9%. दीज आर कंसल्टेंट लेवल्स. देन वी हैव 12%, 15% and 18%. These are manager levels, and then we have 22%, which is a senior manager levels. अब ये सभी levels group BP, कितने group BP पे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए. So 3% होता है 200 group BP पर, 6% हमारा होता है 600 group BP पर, 9% level होता है 1200 group BP पर, and 12% manager level होता है 2400 group BP पर, 15% मैनेजर लेवल होता है 4000 ग्रुप बीपी पर, 18% मैनेजर लेवल करने के लिए 6600 ग्रुप बीपी की ज़रूरत होती है मिनिमम, एंड टू बिकम 22% सीनियर मैनेजर यू नीड 10,000 बीपी ग्रुप पॉइंट. इफ़ दिस इज़ क्लियर, तो इसके बाद जो हम चेक कैलकुलेशन सीखने वाले हैं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा. तो ये आपको ज़रूर दिमाग में रखना है. एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये सब कुछ प्लीज़ डायरी पेन लेकर बैठिए और अपने फर्स्ट पेपर पर सबसे पहले आप ये सब कुछ लिख लीजिए. सो गाइस, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दिस थिंग, कि आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है. मीन्स आपके साथ कितनी लाइंस काम कर रही हैं, चाहे फिर वो 0% लेवल पे हों, 3 पर हों या 6% लेवल पर हों. एंड अगर आपको ये पता है कि आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर फर्स्ट डाउनलाइन लाइन ए, ये आपकी फर्स्ट लाइन है ए, ए की लाइन से आपको कितना इनकम आएगा, बी की लाइन से आपको कितना इनकम आएगा, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है जो इससे आगे सारी चेक कैलकुलेशन समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होगा. देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है. वो फॉर्मूला कहता है कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ए की लाइन से आपको कितनी इनकम आएगी, सो ए की लाइन से आपको इनकम कैलकुलेट करने के लिए पता होना चाहिए कि ए की लाइन से कितने ग्रुप पॉइंट आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए पर्सन जो है वो 6% लेवल पर है, विच मीन्स लेट्स से उसके 600 बीपी हैं, ओके, और जो आप हैं, आपको मान लेते हैं कि आप 12% लेवल पर हैं, यू आर अ 12% मैनेजर, आपके टोटल ग्रुप बीपी 2400 से ज़्यादा है, तो आप 12% मैनेजर लेवल पर हैं और ए की लाइन से 600 बीपी आपको आ रहे हैं. तो ए की लाइन से कितने बीपी आ रहे हैं हमें, 600. तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 600. तो उस लाइन से कितने पॉइंट्स आ रहे हैं पहले आप ये लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाइड. ओरिफ्लेम आपको एक बीपी, वन बीपी के बदले में कुछ बिजनेस वॉल्यूम देती है. तो एक पॉइंट का बिजनेस वॉल्यूम होता है 34. ये हर साल बढ़ता रहता है, कंपनी इसको हर साल चेंज करती है, लेकिन अभी जो है राइट नाउ वो 34 है. सो अगर एक पॉइंट से आपको 34 रुपीज बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, तो इस लाइन से आपको 600 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई आप 34 से करेंगे. क्लियर? तो सबसे पहले ग्रुप बीपी कितनी आ रही है उस लाइन से, फिर मल्टीप्लाइड बाय 34, और उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस ऑफ लेवल से. डिफरेंस ऑफ लेवल का मतलब क्या है, आपका लेवल कितना है और आपके डाउनलाइन का लेवल कितना है. सो आपका लेवल कितना है 12% और आपके डाउनलाइन का लेवल कितना है 6%. सो आप अपने लेवल में से अपने डाउनलाइन के लेवल को माइनस करेंगे और जो बचेगा उससे यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब ये 12 है और ये 6 है, तो 12 में से 6 को मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा. आई होप यू आर गुड एट मैथमेटिक्स.
6 बचेगा, राइट? सो 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6, तो आपको 6% इनकम मिलेगी. 6% मतलब 6, और परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100. तो ये एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि हमें एक ही लाइन से कितना इनकम आएगा. सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला जो सभी लाइंस पे काम करेगा. सो लेट्स से अगर बी एक 3% डाउन लाइन है, और बी की लाइन से मान लीजिए आपको बी ने क्लोजिंग करी 300 बीपी पे. वैसे तो 3% 200 बीपी पे होता है, लेकिन 300 पे क्लोजिंग करी. सो बी की लाइन से भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे. बी की लाइन से कितने बीपी आए हमें? 300 मल्टीप्लाइड बाय एक पॉइंट कितने रुपए का होता है? 34 रुपीस मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ लेवल. सो आपका लेवल क्या है? 12, और B का लेवल क्या है? 3. तो 12 माइनस 3, 12 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9. सो 9 अपॉन 100. दिस इज हाउ आप अपनी हर एक लाइन से अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको इसे और थोड़ा बेहतर तरीके समझाने के लिए मैं आपको इसके बाद एक एग्जाम्पल के तौर पर नेटवर्क ड्रॉ करूंगा और आपको उसकी मदद से सिखाऊंगा. चलिए सीखते हैं. सो आई नो वेरी वेल दैट फ्रॉम 3% टिल 22% सीनियर मैनेजर लेवल, योर फेवरेट लेवल इज 22% सीनियर मैनेजर. एंड दैट्स वाई मैंने वही नेटवर्क ड्रॉ किया है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज यू, और आपने अपनी आईडी पर 200 बीपी का ऑर्डर प्लेस किया है. सो दिस इज योर पर्सनल ऑर्डर, ओके? दिस इज योर पर्सनल बीपी, नॉट ग्रुप बीपी. आपकी फर्स्ट लाइन है ए, जिसने 3000 पॉइंट पे क्लोज किया, तो वो कौन से लेवल पर हुआ? 12% लेवल पर, क्योंकि 12% लेवल 2400 बीपी पर ही कंप्लीट हो जाता है. उसने तो फिर भी 3000 किए हैं. बी की क्लोजिंग हुई है 5000 पॉइंट पर, जिसके अकॉर्डिंग वो 15% मैनेजर लेवल हुआ. सी की क्लोजिंग 4000 पॉइंट पर हुई, वो भी 15% मैनेजर बना. जो आपके साथ तीन लाइंस हैं जिनके साथ आप नेटवर्क बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस नहीं करना चाहते, सिर्फ प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं. तो आपके साथ मान लेते हैं दो लोग ऐसे भी हैं, जिसमें डी है. डी ने अपनी आई डी पर 150 बीपी कंप्लीट किए, तो वो किसी लेवल पर नहीं है, वो 0% लेवल पर है. ई ने अपनी आईडी पर 100 पॉइंट करे, 100 बिजनेस पॉइंट करे, तो वो भी 0% लेवल पर है. और जब मैं सारे पॉइंट्स टोटल ऐड कर देता हूँ, 3000, 5000, 4000, 150, 100 और पर्सनल 200 भी, तो टोटल ग्रुप बीपी 10,000 से कहीं ज़्यादा ऊपर हो जाती है, विच मीन्स कि आप कौन से लेवल पर हुए? 22% सीनियर मैनेजर. तो आइए चेक कैलकुलेट करते हैं, इनकम कैलकुलेट करते हैं कि एक ही लाइन से आपको कितना पैसा मिलेगा. तो फॉर्मूला आपको याद है ना? चलिए शुरू करते हैं. सो ए की लाइन से कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 3000. कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 34. क्यों करेंगे? क्योंकि 34 क्या है? एक पॉइंट्स के इतने रुपए कंपनी से आपको मिलते हैं बिजनेस वॉल्यूम के रूप में. तो जितने पॉइंट्स इस लाइन से आए, मल्टीप्लाइड बाय 34. देन किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? डिफरेंस ऑफ लेवल, याद है ना? तो आपका लेवल क्या है? 22. और आपकी डाउनलाइन का लेवल क्या है, जिसकी लाइन से हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं? 12. तो 22 आपका, 12 इसका, 22 में से 12 माइनस करूंगा तो कितने बचेंगे? 10. तो यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100. और जब मैं इस पूरी कैलकुलेशन को 3000 की मल्टीप्लाई 34 से करूंगा, फिर 10 से करूंगा, फिर जो आएगा उसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा, सो इनकम आएगी निकलकर 10,200 रुपीज. यस, माई मैथमेटिक्स इज रियली गुड. सो 10,200 रुपीज विल बी द इनकम जो आपको इस लाइन से मिलेगी. आप अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं. आइए ऐसे ही बाकी लाइंस के लिए भी कैलकुलेट करते हैं. चलिए सो बी की लाइन से देखते हैं कितनी इनकम हमें बी की लाइन से मिलेगी. सो बी के ग्रुप बीपी हैं 5000, जो मैंने यहां लिख दिया है 5000, मल्टीप्लाइड बाई 34, जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है, मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ लेवल. तो आपका लेवल क्या है? 22. और बी का लेवल क्या है? 15% मैनेजर. सो 22 में से 15 को माइनस करूंगा तो कितने बचेंगे? 7. तो 7 अपॉन 100. सो मैंने ये पूरा लिखा है यहाँ पर. अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये निकल कर आएगा 11,900 रुपीज. क्लियर? ऐसे हम सी की लाइन से देखेंगे. सी की लाइन से पॉइंट आए हैं 4000, मल्टीप्लाइड बाई 34. सी का लेवल है 15 और आपका लेवल है 22. तो डिफरेंस ऑफ लेवल आपको मिलता है इनकम के रूप में. सो 22 माइनस 15 कितने बचे? 7. 7 अपॉन 100. सो आपको यहाँ से भी कुछ इनकम आएगी. तो जब हम इस पूरी इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो ये इनकम निकल कर आएगी 9,520 रुपये. इज दैट क्लियर? देन डी,
बी की लाइन से कितने पॉइंट्स आए हैं, क्योंकि डी 0% है, वो ग्रुप बी पे नहीं बढ़ा रहा है, वो ग्रुप डेवलप नहीं कर रहा है, तो वो 0% है क्योंकि उसके 200 से कम पॉइंट्स हैं। सो डी की लाइन से हमें आए हैं 150 मल्टीप्लाइड बाई 34 मल्टीप्लाइड बाय 22/100, क्योंकि आपका लेवल है 22 और डी का लेवल तो 0 है, तो आपके लेवल में से डी का लेवल माइनस कर दिया, 22 में से 0 गए 22, सो 22/100। तो ऐसे हमें इस लाइन से भी कितनी इनकम आएगी, 1122 रुपए। इज दैट क्लियर? देन ई एक पर्सन है जो 0% है, 100 पॉइंट्स दे रहा है मल्टीप्लाइड बाय 34, और आपका लेवल 22 है और ई का लेवल है 0%, तो 22 में से 0 गए 22 बचेंगे ना, सो 22/100 22/100, तो यहां से आपको इनकम आएगी कैलकुलेट करने पे 748 रुपीस। समझ आया आपको? इस तरह से आप अपनी लाइन से इनकम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो ऑर्डर आप अपनी आईडी पर प्लेस करते हैं आपको उससे भी इनकम मिलती है। कितनी इनकम मिलती है? आपने अपनी आईडी पर कितना ऑर्डर लगाया है, 200 बीपी मल्टीप्लाइड बाय 34 मल्टीप्लाइड बाय, अब अपने लेवल में से क्या अपना लेवल माइनस करोगे? नहीं ना। सो आपका लेवल कितना है, 22, जितना भी आपका लेवल है और जितने आपने पॉइंट्स किए हैं अपनी आईडी पर, 200 किए हैं, 200 मल्टीप्लाइड बाय 34 मल्टीप्लाइड बाय 22/100, तो यहां से भी आपको इनकम मिल जाएगी 1496 रुपीस। सो जब ये सारी इनकम मैं टोटल करूंगा, ए बी सी डी ई की लाइन से कितना आया और आपको अपने पर्सनल कितना आया, तो जब मैं इस पूरी इनकम को टोटल करूंगा तो ये निकल कर आएगी 34,986 रुपीस। समझ आया आपको? तो इसी तरह से आप चाहे 12% मैनेजर हैं, 15% मैनेजर हैं, आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए अपनी डायरी पे और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने इनकम्स को आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप अपने अपलाइन को फ़ोन करें या इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, आई होप आपको इससे प्रॉपर नॉलेज मिली हो। एट द लास्ट आई ऑल्सो वॉन्ट, से अगर आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा है कि नितिन अभी तो मेरे डाउनलाइंस मेरे से कम लेवल पर है, यानी कि इसका मतलब है कि आपको अपने हर डाउनलाइन से एक लेवल अबव रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके किसी भी डाउनलाइन का लेवल 22 हो जाता है, अगर मान लीजिए ये ए है अभी तो 12 पे है, लेकिन अगर ए भी 22 बन गया, 10,000 पॉइंट होने लगे उसके ग्रुप के भी और आप भी 22 हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर 22-22 जीरो, कोई इनकम नहीं मिलेगी। देन यहाँ से हमारे बोनसेस शुरू होते हैं जो बहुत हैवी बोनसेस होते हैं। सो जब आप अपने नीचे 22% क्रिएट करने लगते हैं तो आपको डिफरेंस इनकम नहीं बल्कि 5% ओरिफ्लेम बोनस मिलता है, ओरी बोनस मिलता है, जिसके बारे में आप कभी आगे सीखेगा। आई थिंक अभी आपके लिए इतना इनफ है। आई होप आपको ये वीडियो सच में बहुत पसंद आया होगा और आप इसे यूज़ करेंगे अपनी नेटवर्क की इनकम कैलकुलेट करने के लिए। ऑल द बेस्ट एवरी वन, हैव अ वेरी गुड टाइम। एंड जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसने इस पूरे स्ट्रक्चर से आपको 34,986 रुपीज़ मिल रहे हैं। सो 34,986 रुपीज़ ऐसे इनकम आप भी कमा सकते हैं, जस्ट 22 बनिए एक ऐसे स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।